हे गाइस, तो फिर कैसे हो यार सब। आई होप कि सब ठीक हो के घर पे ही हो गए यार। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के भी लाइक कर दो यार, ठीक है। और प्लीज़, जिसमें हिम्मत है ना, वही यहाँ से स्टोरी देखे, वही यहाँ से वीडियोस देखे, वरना नहीं देखा तो चलेगा, ठीक है। हिम्मत है तो पूरा एंड तक देखना, और आगे की स्टोरी, आगे के वीडियोज़ तभी देखना। होप सो समझोगे। लव यू ऑल। तो मिलते हैं वीडियो में, देख लो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। हेलो, हाँ, मिस आरोही बोलिए। तुम्हें कैसे पता मैं आ रही? ये वाला नंबर तुम्हारे फर्म के अलावा किसी और के पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स तुम ही होगी। अच्छा, समझे? ये सब छोड़ो, बताओ तुमने आरोही पर हाथ उठाया था? कल तुम्हारे वर्डिंग्स कुछ और थे। तुमने कुछ पूछा था कि क्या पूछा था? क्या तुमने उसे मारा? आज वर्डिंग्स चेंज, क्या हाथ उठाया था? वाह, हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मिस आरोही, इतना ज्यादा कि तुम सोच नहीं सकते। एक वर्ड हो या फिर एक पूरा लाइन हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, दिमाग पे जो गहरा असर करता है ना, वो तुम नहीं समझोगी, ठीक है? एनीवे, हाँ, भूल गया, तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, समझ भी सकती हो। बोलिए, क्या बोल रहे थे? सब छोड़ो, मुझे बस आगे बताओ हुआ क्या। हाँ, वो तो सुनना, बताना ही है कुछ भी करके। पहले बताओ कि क्या तुम कौन हो, क्या करते हो, मतलब? कौन हो तुम, क्या काम करते हो, तुम्हारा क्या काम है? एक बात आज से कुछ 1-1.5 साल पहले किया, न्यूज़पेपर में, टीवी में बताया था, एक लॉयर जिसका बेटा गायब है। जो शायद अभी मेरी उम्र का होगा, सुना है? नहीं, ऑफ कोर्स तुम न्यूज़पेपर और न्यूज़ तो देखती नहीं होगी, है ना? हाँ, मैं न्यूज नहीं देखती, ना पढ़ती हूँ। वो लॉयर का नाम था KB, सुना तो हो गई। हाँ, तो तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? मैं उसका बेटा हूँ, RP, राकेश बापट। पर ऑफ तुमने तो, कोर्स, तुम्हारे सरनेम को व्यास बताया है ना? तो तुम्हारी फर्म कहाँ मुझे आधार कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड मांग रही है, जो मैं अपना फेक नाम नहीं बता सकता इस नंबर की तरह। मैं एक लॉयर हूँ, एक वकील, जो उस दिन उस टेबल पे बैठा था, उसके क्लाइंट का वेट कर रहा था, जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी आरू से, मतलब मेरी मुलाकात हुई थी आरू से, उस दिन मैं टेबल पर बैठ के मेरे क्लाइंट का वेट कर रहा था, और वो लेट हो गया, लेकिन उसके पहले वो मिल गई, तो उससे कुछ बातें हो गई, तो तभी से ये कहानी स्टार्ट हुई है। और मैं वो सिटी से बिलोंग नहीं करता था, मैं बस वहाँ पे गया था क्लाइंट के लिए, पापा ने बोला था, उसके बाद से मैं कभी घर ही नहीं गया, तब से मैं लापता और नाम चेंज करके रह रहा था। वो लड़की मिली, प्यार हो गया, बस सोचा कि इधर ही कुछ कर लूँ बस इसके लिए, और वैसे भी उधर मेरी कुछ ज्यादा बनती नहीं थी, और ये लॉयरी में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सो इसीलिए मैं इधर ही हूं, समझे? पर तुम्हारी बातों से लगता नहीं तुम पागल हो, लगते हो। तुम आगे कोई पता भी चलेगा, वो आगे नहीं। पता चल जाएगा। मैं पता है एक बात बताता हूँ, कौन से सुनना, हाँ, मैं खुद कभी पागल नहीं था, मानता हूँ उसके प्यार में मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, लेकिन खुद की नज़र में नहीं हूँ। खुद की नज़र में अभी भी मुझे लगता है कि मैं स्टेबल हूँ, जो सब मेरे दिमाग में चलता है, जो सब मेरे दिल में चलता है, मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो सब नहीं होना था जो हुआ, लेकिन कोई बात मानता नहीं है। और जब इंसान जी तोड़ के बताता है ना किसी को कि बात ऐसी थी, और कोई मानने को तैयार नहीं होता ना, तब लगता है कि सब खत्म, और इसीलिए पागलपन जैसे चीज से हम गुजरते हैं।
पागलपन और ये जो मेरे साथ हो रहा है दोनों अलग अलग है। मैं मेंटली स्टेबल हूँ लेकिन खुद के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझ पे कोई बिलीव नहीं कर रहा है। किसको जाके बताऊँ? सबको लगता है कि पागल है, पागल जैसी बातें कर रहा है। सो इसीलिए आपके पास आया था। और एक वजह जो आपको आगे पता चल जाएगी। तो वही तो जानना चाहती हूँ कि वजह क्या है आपकी। आपको तो ना कोई साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है ना साइकेट्रिस्ट की, तो फिर क्यों तुम एक्चुअली मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, पर मैं मतलब आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मुझे आपका जो बॉस है या फिर आपका जो आप जिसके अंदर काम करते हो, मुझे उनसे काम है, आपसे नहीं। मैंने बस इंटरनेट पे उनका नाम पढ़ा था, उनकी फर्म के बारे में, और ये सब जो हॉस्पिटल से पैच वैच ये सब मुझे ऑलरेडी पता था। लेकिन मुझे लगा था कि काश वो मुझसे बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो। जब मिलना चाहता हूँ पर क्यों मिलना चाहते हो आप उनसे? आगे बताऊंगा ना, इतनी जल्दी क्या है। तो हम कहते हैं हाँ, वो मारने वाली बात है ना। हाँ पता है, वो सब थिंकिंग की वजह से मैंने उसके घर पे मेडिसिन्स भिजवा दी थी, उसके मेरे दोस्त के हाथ से। पता नहीं उसने ली या नहीं ली, शायद ले ली होगी, लेकिन मेरे मन में जो चल रहा था ना, वो सिर्फ मैं जान सकता हूँ और कोई नहीं। जो मैं सोच रहा था कि क्या ये लड़की मुझ पे चीट कर रही है, क्या ये सही कर रही है, और वो सपना जिसमें मैंने उसे मारा है, बहुत बुरी तरह गुस्से में है उसको, उसके एक्स को, जबकि मुझसे उसका एक्स भी नहीं पता है कौन है। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, समझ नहीं रहा था बिल्कुल भी। और दूसरी बात, प्यार मतलब इतना हो गया था इन इतने दिनों में कि सोच नहीं सकते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, सुना है ना, वही फीलिंग हुई है मुझे उसके साथ, और कुछ नहीं। तुम नहीं जान सकोगी कभी। मैंने उसे कॉल किया, किसे? हम्म, आरू की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आरू को कॉल किया। उससे बात करनी थी, उसने कॉल नहीं उठाया, वो घर पे थी। उसने कॉल उठाया और ये कहा, हेलो। हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी। मैं नहीं बात कर सकती, मैं बाहर हूँ अभी। बाहर हूँ? तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, मैं नहीं बात कर सकती, तुम्हें घर मैं पे बाहर होना हूँ चाहिए। थोड़ा सा। तुम्हें मलेरिया और कुछ भी मुझे और भी पता कुछ है, है? पर मेरा काम जरूरी था, मैं बाहर। रखो फोन, तुम, मैं नहीं बात कर अरे सकती। मुझे कुछ बात करनी है, अर्जेंट है, मुझे अभी बात करनी है, नहीं, बस मैं मुझे नहीं नहीं पता। कर सकती बाहर, मैं बहुत बिजी अभी। बाय बाय। अरे हेलो हेलो, आई नो तुम घर पे ही हो, झूठ मत बोलो। हेलो हेलो, मैंने कहा ना, मैं बहुत बिजी, मैं तुमसे नहीं बात कर सकती अभी। बाय। आगे पता है वो घर पे ही थी। ये सब बताते वक्त मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है, वो कुछ छुपा रही थी। उसे पता था कि शी इज प्रेग्नेंट, बट वो बताना नहीं चाहती थी दुनिया को, या पता नहीं उसके अंदर क्या डर था। मैं कंफ्यूज था कि ये चल क्या रहा है, मैं शॉक में था कि ये सब कैसे है। आज से ठीक 1.5 साल पहले, मतलब मेरे वो शहर छोड़ने से और यहाँ पे आने से, बात आने के बाद, ठीक है, जब हम दोनों की मुलाकात हुई, ये सब होने के बाद, एक दिन एक न्यूज़ आती है कि एक लड़की ने सुसाइड कर ली। हाँ? हाँ, पेपर में न्यूज छपी थी, एक लड़की ने सुसाइड कर ली, ठीक है, कौन लेकिन थी उसकी वो? बॉडी नहीं मिली। सोचा है कभी? आरु कहाँ है? उसके बारे में जानना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, वो मर चुकी है। और वो वही लड़की थी जिसने सुसाइड करी थी। पर क्यों, क्या रीजन था? यही बात तो मुझे जाननी थी, ये न्यूज़ मुझे नहीं पता थी कि क्या चल रहा है। मैं दूसरे दिन उसके घर पे गया, घर पे जाकर देखा तो कोई नहीं था। आजू बाजू वाले से पूछताछ की तो पता चला कि वो मर चुकी है, उसने सुसाइड कर ली।
क्यों, कैसे, क्या हुआ, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं था मुझे। फुल कंफ्यूजन में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये सब कैसे हुआ। आगे अब बताओ कि क्या मैं पागलपन में जो गुजरा हूँ वो सही है या गलत है? मतलब मतलब यही कि तुम्हें तुम्हारे नंबर से कॉल करने लगा है, क्या यह सही है? और वैसे भी ये तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारे दोस्त का, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि ट्रू कॉलर है ना। लेकिन फिर भी पहचान लिया तुम्हें बस तुम्हारे हेलो से, और क्या कहूँ, जो पागलपन है ना, वो चाहे खुद में हो या नहीं हो, नहीं होकर भी ये दुनिया ऐसी है कि उसे उस दौरे से गुजार देती है, गुजरवा देती है। तब बहुत बुरा लगता है जब कोई हम पे विश्वास नहीं करता, जैसे अभी तुम्हें सब झूठ लग रहा है। I'm totally confused. मुझे मुझे अभी एक्चुअली तक एक आंसर नहीं मिला है. कौन सा आंसर, कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, कौन था बॉयफ्रेंड, और उसने सुसाइड किया तो सुसाइड नोट भी तो मिला होगा ना. और ये तो नहीं कि कि तुमने उसे मारा. तुम सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हो? ऑफ कोर्स फैमिली. क्या अपनी फैमिली को मारने के बारे में कभी सोचा है? नहीं, मैं कैसे सोच लूं? पता तो फिर है पागलपन क्या है? क्या? सिर्फ एक थॉट जिसे बार बार सोच सोच कर, आजू बाजू की चीजें, हरकतें, लोगों का बिहेवियर देख देख कर हम खुद के अंदर इनहिबिट कर देते और हम उसी को थिंक करते, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। मुझे रोना आता है, आंखों में आंसू नहीं आते, अभी गुस्सा आ रहा है, किस पे निकालूं? तुम्हें बताते वक्त बुरा लग रहा है, कैसे एक्सप्रेस करूं? हंसी आती है खुद पे जब खुद के पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर्स हैं मेरे पास, तो सबके बताओ हैं। ना. पहले वादा करो कि तुम तुम्हारे बॉस से मुझे मिलाओगे। बॉस एक्चुअली वो क्या नाम है उसका, राजेश, डॉक्टर राजेश, तुम जिसके अंडर हो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरा केस मिला है, जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तुम्हारी फॉर्म में, बताओ मुझे उससे बट मिलाओगे? तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? क्या कनेक्शन है तुम्हारा और उनका? मेरे पागलपन पे, मेरी पागलपन के डॉक्यूमेंट्स थे कि ये बंदा पागल करार कर दिया गया, उस पे साइन उसी किया, उसी ने तो मेरा मेंटल टेस्ट लिया था। पर उसने ऐसा क्यों किया मुझे बस इतना जानना पर वो ऐसा नहीं कर सकते. है। पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बताओ करोगी मेरा काम? Will you do this for me? पहले मुझे आँख जानना हो है गए? हाँ, क्या जानना है बोलो। वही सब क्वेश्चन जो मैंने पूछे तुमसे. चलो कल बात करते हैं। हेलो, हेलो. मैं सारो ही, मैंने कॉल काटा है। हाँ, आज स्विच ऑफ करना भूल गया, फिर से कॉल ना करते तो ठीक रहता। वैसे मुझे भी आपसे जानना बात है कि आगे हुआ कर क्या है. प्लीज वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? वैसे भी ये सब बाद. याद कर करके और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, और ज्यादा वही सब चिल्लाने का मन कर रहा है। हाँ, तो शांत रोज रखता हूँ रोज से खुद को। अच्छा है ना कि आप एक बार में बता दो प्लीज.
इतना दर्द एक दिन में सहा नहीं जाता है। किश्तों में बांट कर सहने की आदत लगाई है, क्या करें। बताओ ना प्लीज, नहीं, क्या यही सब तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो? ये सुसाइड वाला। हाँ देखो बात ऐसी है, मैंने उसे कॉल किया, उसने नहीं मतलब उसने रिसीव नहीं किया, बाद में बात करी, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, तो उसके बाद जब कल मैं उसके घर पे गया दूसरे दिन, ठीक है, उसके घर पे जाके देखा तो वो घर पे नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा कि वो कहाँ है, तो पता चला कि वो मर चुकी हैं, ठीक है। और जिस तरह तुमने सुसाइड नोट की बात करी है, ओके, हाँ वैसा कुछ नहीं मिला, ना पुलिस को ना किसी को। लेकिन एज ए लॉयर मुझे थिंक करने में मजबूर हुआ कि क्या हुआ होगा। मैंने बहुत सोचा, तब मैं घर पे आया, बहुत स्ट्रेस में था, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए था कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसका बाप कौन था, उसके बच्चे का वो कौन था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, ठीक है। जब घर पे गया तो पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा था, बल्कि इस बात से नहीं कि वो प्रेग्नेंट थी एंड ऑल दैट, बस इस बात से कि वो नहीं रही, उसकी बॉडी नहीं मिली, कुछ भी नहीं। कैसे मरी, क्या मरी, उसको लापता क्यों नहीं घोषित किया गया, जब वो लापता मतलब बॉडी नहीं मिली। एक सेकंड, तो फिर ये सुसाइड कैसे हुआ? वो सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, सेम क्वेश्चन, उसे मारा गया है, मारा है, कुछ है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता उसके पीछे कोई होगा जो उसे मार सकता है या कुछ, ठीक है। मेरे हिसाब से उसने सुसाइड ही करी होगी, लेकिन उसकी बॉडी क्यों तो नहीं मिली, सुसाइड डिक्लेयर कैसे हुआ ये सब? वही तो नहीं जान, वही तो जानना है, वही तो नहीं पता है। तब अब पता है, तब तो बताओ ना फिर। तो सुनो, हाँ मैं यही सब सोच रहा था कि क्या हुआ होगा, तभी से मुझे इल्यूजन्स होना, वहम, उसका दिखना, उसकी आवाजें, उसके सब रिलेटेड सपने आने स्टार्ट हो गए। तभी से मैं बहुत इस सब में डिटेल जाने लग गया, इसके बारे में दोस्तों को बताया, दोस्त बोलते थे कि छोड़ना, कुछ होगा, फालतू में क्यों पढ़ रहा है, वो नहीं रही, तू उसे प्यार करता था, उसे दूर हो जा। तभी से दोस्त कहते हैं कि कोई और पटा, कुछ कर, तुम्हें क्वेश्चन आया होगा ना, इतना बड़ा लॉयर लड़कियां पटा के छोड़ रहा है। ये बस खुद का टेंशन, खुद का स्ट्रेस दूर करने के लिए किया था। हाँ, एक दो से दिल लग गया था, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मैं अलग अलग होना चाहता था, और एक से दिल लग गया जो खुद मुझसे दूर हो गई, जबकि मैं उसके करीब जाना चाहता था, गधे का, यू नो। मुझे नहीं समझ रहा था कि उसके दिल में क्या है, वो क्यों ऐसा कर रही है, वो सीधा शादी करना चाहती थी और मुझे शादी नहीं करना था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहता हूँ, जब तक कि मेरे अंदर का स्ट्रेस, मेरे अंदर की ये सब बातें, जलन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पागलपन, ये दूर नहीं होता है, तब तक कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। और जहां तक मुझे पता है कि वो लड़की ऐसी नहीं थी कि वो सुसाइड करे, लेकिन ये भी पता है कि उसके पीछे कोई नहीं था, शी वॉज लॉयल, कूल गर्ल, फैंसी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ढंग से रहना, एटीट्यूड, एक्सेंट में बात करना, प्यार से रहना, सबसे अच्छे से बिहेव करना, सबकी मदद करना, इतनी अच्छी लड़की के पीछे कोई नहीं रहता है, कोई गलत काम नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तक कंफ्यूज था कि ये सब क्या चल रहा है, या वो कहीं चली गई है, किसी को गलत फहमी हुई है, वो सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ, या कुछ तो खबर आई होगी। और ये खबर मुझे उन लोगों ने बताई जो उसके पड़ोसी थे, और उनको भी ये खबर न्यूज से पता चली है, क्योंकि न्यूज में उसका नाम था। लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या था। शी वॉज प्रेग्नेंट, उस अकेली की जान नहीं गई थी,
उसके साथ साथ उसके अंदर एक और जान थी, जो भले ही मेरी नहीं किसी और की थी। अगर उसने सुसाइड भी करा है तो अगर इस रीजन से करा है कि वो प्रेग्नेंट थी, बदनामी होगी कुछ, तो मैं खुशी खुशी उस बच्चे को पालने के लिए तैयार था। एक बार अगर मुझसे पूछती कि क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, उसे नहीं पता था इवन शांत हो जाओ। यही सब सोचता हूँ। पता है मेरे घर वालों को अब तक नहीं पता है मैं कहाँ हूँ, जब से उस लड़की से मिला हूँ। पता है मेरे घर वाले कैसे थे? मेरे पापा मुझे फोर्स करते थे लॉयर बनने के लिए, जबकि मुझे लॉयर नहीं बनना था। मुझे पता नहीं मुझे क्या बनना था, कभी डिसाइड नहीं कर पाया, लेकिन फोर्सफुली LLB पढ़ा दिया। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि खुद ही खुद का ये केस सॉल्व नहीं कर रहा, एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है। हाँ, पता नहीं जिंदगी और ये आजू बाजू के लोग हमें क्या बना देते हैं। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, बाइबल में लिखी है, इस तरह नहीं लिखी है जिस तरह मैं बोलने वाला हूँ। इवन मैंने तक नहीं पढ़ा है, बस किसी और से सुना है। पता है जब कोई मरता है ना, तो एक दुनिया की मौत होती है। हम सब में एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हर एक से जुड़ी हुई है। तुम जिसे प्यार करती हो तुम एक दुनिया हो, तुम जिसे प्यार करती हो, तुम्हारे आजू बाजू जो है, जो कुछ है, उससे तुम जुड़ी हो। तुम्हारी दुनिया उस दुनियाओं से जुड़ी है। और जब कोई मरता है तो एक दुनिया का नाश होता है, एक दुनिया खत्म हो जाती है, और उससे जुड़ी आजू बाजू की हर एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है, जिस तरह मैं हुआ हूं। और यही एक रीजन है हम पागल हो जाते हैं। अचानक से उसकी दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ, किसी के पास जवाब नहीं था, ना ही है। मैंने जवाब ढूंढे, सब तलाश किया, पूरा एक डेढ़ हफ्ता, एक दो हफ्ते मुझे लग गए ये सब करने में, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बहुत जल्दी वर्क किया और बहुत जल्दी सब चीजों तक पहुंचा। बट इट्स फाइन एनीवे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को। मुझे तो पागल करार कर दिया है मेरे मेंटल सर्टिफिकेट पे तुम्हारे बॉस ने ही, तुम्हारे क्या नाम है उसका, राजेश, उसी कमीने ने साइन करी है। पूछना है कि कौन था, क्यों। एनीवे, चलो कल बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम्हें मैं किसी एंगल से पागल लगता हूँ? हाँ, मेरी हरकतें अगर छोड़ दो, मेरी बातें अगर छोड़ दो तो लगता है, नहीं, तुम लेकिन कोई भी एंगल से पागल नहीं लगते हो। हमें पागल था भी नहीं, बस दिमाग के दौरों से गुजर रहा हूँ और कुछ नहीं। शायद तुम क्या डायरेक्टली मुझे तुम उससे मिला नहीं सकती? पहले स्टोरी तो कंप्लीट करो। तुम्हें क्या इतनी एक्साइटमेंट हो रही है इससे रिलेटेड, इस को लेके? हाँ, मुझे जानना है। फाइन, बता दूंगा। कब? बाय। हेलो राकेश। हाँ, तो देख लिया यहाँ तक, होप सो पसंद आया होगा, बहुत दिल लगा रहा हूँ। ठीक है, लाइक करा दो, बस कर दो, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाना यार, प्लीज़, बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ कर दो। और आज का बिग शॉट आउट जाता है कियारा लवर को,
यार आपकी कमेंट्स कल की वीडियो में बहुत प्यारी थी, अच्छी लगी, थैंक यू फॉर दिस। और गाइस प्लीज़ आप भी नीचे कमेंट करो, आपकी कमेंट भी हो सकता है शॉर्ट आउट में आ जाए अगर मुझे अच्छी लगे तो इससे रिलेटेड। होप सो आप लोग कमेंट करोगे कि आपको क्या फील हो रहा है, गेसेस दोगे कि आगे क्या हो सकता है, देखते हैं कौन कर सकता है गेस, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।